नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर मैटिक में। दोस्तों, हुंडई का जो 1.2 लीटर कापा इंजन है वो कई सारी गाड़ी में आता है, जैसे कि ग्रैंड i10 है या फिर i20 इलाइट है, एक्सेंट है। जिन जिन गाड़ी में वो 1.2 लीटर कापा इंजन आता है उसमें एक टाइमिंग चेन रहती है और वो टाइमिंग चेन बदलनी पड़ती है, और बदलने के बाद उसको कैसे सेट किया जाता है, उसका जो टाइमिंग मार्क्स है ये कैसे रखा जाता है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये जो इंजन है किसी दूसरे पर्पज़ के लिए पहले हमने खोला था, क्योंकि इसके एचएलए वगैरह आवाज़ कर रहे थे, वो तो काम हमने कर दिया है। तो सोचा आपको जो टाइमिंग है i20 का वो दिखा दूँ, और टाइमिंग चेन कैसे चेंज करते हैं ये दिखा दूँ। तो इसके रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑलरेडी हमने खोल रखा है, ऊपर का टैपिट कवर प्लग कैप वगैरह सब खोलना पड़ता है, साइड का ये जो माउंट है इधर ये खोलना पड़ता है, और जो चेन कवर होता है इधर वो खोलना पड़ता है। इसमें चेंबर वगैरह आपको खोलना नहीं पड़ता, चेंबर खोलने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसकी जो पुरानी चेन वगैरह है टाइमिंग चेन वो हमने निकाल के रखी है। ये देखो, ये पुरानी चेन है और पुराना टेंशनर है। तो ये टेंशनर है, ये इस पोजीशन में रहना चाहिए जब हम फिट करते हैं, तो ये बहुत बाहर आ गया था, इतना बाहर आ गया था, तो इसलिए हम ये चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी दूसरा काम है लेकिन इसमें टाइमिंग चेन भी चेंज कर रहे हैं हम। तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि टाइमिंग चेन कैसे चेंज करते हैं, या फिर आपने खोला है तो टाइमिंग कैसे रखना है, ये आपको आइडिया आ जाएगा। देखो, ये हुंडई की जेन्युइन टाइमिंग चेन है, ये हमने मंगाई है। देखो, ये टाइमिंग चेन है, निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये इसमें कॉपर कलर के तीन अलग ये दिखाई दे रहे हैं ना मार्क, उस पर ही टाइमिंग रहता है, इसका लॉक वगैरह नहीं रहता कहीं से, ठीक है। और ये इसका जेन्युइन हुंडई का टेंशनर। तो टेंशनर की प्राइस कुछ ये देखो 998 रुपीज़ कुछ इसकी MRP है, और ये टेंशनर है, ये इधर को सेम टू सेम हुंडई का जेन्युइन, ठीक है। इसके जो गाइड वगैरह है ये ज़रा भी घिसे हुए नहीं है, इसके लिए वही रखे हमने। आप बदलते हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि कंपनी के हिसाब से सारे गाइड वगैरह बदलने पड़ते हैं, आप बदलते हो तो अच्छी बात है, और अगर अच्छे हैं तो रख सकते हो, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं, ये घिसे नहीं है, अगर घिसे हैं तो बदल नहीं पड़ते हैं। ये आप मार्क देख रहे हो चेन पे, दो नज़दीक नज़दीक है, वो ऊपर रहेंगे, दोनों जो कैम है अपना इंटेक का और एग्जॉस्ट का उसमें लगेंगे। और ये नीचे देखो, नीचे एक है, वो हमारी जो मेन पुली है क्रैंक की, उस पुली में लगेगी। तो सबसे पहले दोनों कैम हमें सेट करके लेने हैं। तो इस पर आप मार्किंग देख रहे हो, ये देखो ये मार्किंग है, इस पर थोड़ी सी धुंधली हो गई है, ये आमने सामने आनी चाहिए। तो उसके लिए 21 नंबर का पाना इधर लगाना है, और आपको दोनों कैम घुमाने हैं। ये देखो, ये दोनों कैम की मैंने एकदम आमने सामने लेके आया हूँ। ये देखो, ये एकदम प्रॉपरली आ रही है, ठीक है। ये देखो दोनों की आ गई, ये देखो इसकी है, इसकी तो ना गई। और कैम पे आपको ये देखो येलो में एक डॉट मिलेगा इंटेक के कैम पे, और एग्जॉस्ट के कैम पे एक लाइन मिलेगी येलो मार्किंग की हुई, ये देखो। तो ये येलो मार्किंग है, उसके सामने चेन रखनी है, चेन की भी येलो या फिर कॉपर कलर की जो मार्किंग है वो आनी चाहिए। ये देखो, ये चेन की कॉपर की मार्किंग है, ये एक जो येलो लाइन है उसके बराबर सामने रखिए, एकदम सेम टू सेम सामने रखनी है, थोड़ी भी इधर उधर नहीं दे होने देनी। ये देखो, एडजस्ट करके लेता हूँ, ये देखो एकदम सेम टू सेम हो गई, और इसकी भी हो गई। ये देखो, ये थोड़ी लूज पड़ रही है यहाँ से, तो थोड़ा आपको यहाँ से घुमाना है। ये देखो, ज़्यादा घुमा तो ये इधर से निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी तरह आपको लेना पड़ता है टाइमिंग लगा के, देखो, क्योंकि स्प्रिंग का टेंशन होता है, तो ये कैम है ये हिलते हैं, थोड़ी लूज रही तो भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो आ जाएगी थोड़ी। और इस साइड लेता हूँ इसको, तो ये ले लिया, और ये देखो अभी मार्किंग टू मार्किंग आ गई, यहाँ से भी एकदम मार्किंग टू मार्किंग एकदम प्रॉपर आ गई। ये देखो, ये येलो खाच है उसके सामने आ गया हमारा कॉपर वाला चेन में, और ये यहाँ आ गया। ऊपर से देखो दोनों टाइमिंग एकदम प्रॉपरली हो गई, और ये जो गाइड है उसमें से हमने प्रॉपरली चार टाइमिंग चेन लगे के ले ली गाइड के अंदर से। और ये देखो, ये इसका ऑयल पम्प है, ऑयल पम्प में कुछ भी टाइमिंग नहीं रहता, कैसा भी लगा कुछ टेंशन नहीं है। ये देखो, सिर्फ टेंशनर नहीं लगाया है। और अभी नीचे चलते हैं, और नीचे दिखाता हूँ किधर रखनी है। देखो, नीचे आप
जो मेन पुली है उस पर देखोगे तो उस पर भी ये देखो इधर मार्क है एक, तो उसमें आपको चैन प्रॉपरली चढ़ा के लेनी है। देखो नहीं आ रहा तो ये थोड़ा सा घुमाना है पकड़ से, या फिर इसका जो बोल्ट होता है वो डाल के आप घुमा सकते हो। और अभी मैं टेंशनर लगाऊंगा ना तो प्रॉपरली टाइट हो जाएगी चैन। ये देखो ये ऑयल पंप का कुछ नहीं रहता, ऐसा घूमता है तो भी चलता है, इसका कुछ टाइमिंग नहीं रहता। ठीक है, हमें लगने वाली जो सारी चीज़ें हमने जेन्यून हुंडई की मंगाई है, तो ये सारी चीज़ें हमने मंगाई है बुडमो से। बुडमो एक ऐसा ऐप है भाई जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगाया है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो, और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंडर आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगी, और डिलीवरी हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो आप उसको रिटर्न करके अपना रिफंड 10 दिन के अंदर ले सकते हो। तो बुडमो काफ़ी कमाल का ऐप है, कई सारे OEM स्पेयर पार्ट उस पर अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर आपको OES चाहिए, आफ्टर मार्केट चाहिए, तो वो भी पार्ट आपको बुडमो पे मिल जाते हैं। तो इस ऐप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, और इनकी वेबसाइट भी है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी ये जो टेंशनर है ये लगाना है, जो टेंशनर की पोजिशन है वो इसमें बैठेगा, अंदर है थोड़ा, मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको, कंजेस्टेड एरिया है। ठीक है, इसमें पैकिंग वगैरह कुछ नहीं होता, डायरेक्टली लगा देना है, 2 10 नंबर के बोल्ट होते हैं वो लगा देना है, और ये लॉक है, जैसे ही पूरा लग जाए नीचे के जो गाइड है वो पूरे लग जाए तो ये खींचना है। अभी देखो नीचे का गाइड भी लगा दिया, और चेन का टेंशनर है वो भी लगा दिया, नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये चेन का टेंशनर लगा दिया, अभी इसको खींचना है। खींचने से पहले चेक करना है फिर से टाइमिंग, ये भी एकदम प्रॉपर है क्या, ऊपर का भी, ऊपर का मैंने चेक किया प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर है तो ये खींचना है इसको, ये देखो ऐसे खींचना है, और ये देखो कितना थोड़ा सा बाहर आ गया, इतना सा बाहर आना चाहिए, पहले क्या बहुत ज़्यादा बाहर आ गया था। जब बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है तो आपको ये टाइमिंग चेन वगैरह बदलनी पड़ती है। ये देखो ये टाइमिंग देखो प्रॉपर है यहाँ का भी, और ऊपर का देखो, ऊपर का भी ये देखो प्रॉपर है, येलो डॉट पे और येलो लाइन पे, ये देखो एकदम प्रॉपर है। तो ऊपर का गाइड है वो हमने नहीं लगाया था क्योंकि आपको दिखाना था, अभी ऊपर का ये जो गाइड है ये भी लगा देना है। देखो हम टाइमिंग कवर लगाने वाले हैं, तो टाइमिंग कवर लगाने से पहले उसमें ये सिलिकॉन सीलेंट हमें डालना पड़ता है, तो इसमें हम ये सिलिकॉन सीलेंट है वो लगा रहे हैं, तो ये भी प्रॉपरली लगाना पड़ता है, नहीं तो ऑयल लीकेज होने की वगैरह संभावना रहती है। तो ये देखो एकदम प्रॉपरली मैं इसको लगा रहा हूँ, तो कॉर्नर पे सारी जगह हमने सीलेंट लगा दिया। और ये देखो यहाँ एक बड़े बोल्ट लगते हैं, यहाँ भी ये सीलेंट लगाना पड़ता है, नहीं लगाओगे तो यहाँ से लीक होने के भी चांसेस रहते हैं, तो यहाँ लगाना भूलना नहीं है। पहले देखो ये कंपनी का था, कंपनी ने भी लगा के दिया था इधर, ये देखो तो इधर भी प्रॉपरली ये सिलिकॉन है ये लगाना है। अभी देखो टाइमिंग कवर वगैरह प्रॉपरली लग गया है, अभी माउंट वगैरह लगाने का काम चालू है, इसके बाद ऊपर जो हमारा ये टैपेट कवर वगैरह है वो लगा देंगे, इसके बाद ऑयल वगैरह हमने छोड़ा था वो ऑयल वगैरह सब डाल के पूरी गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी कुछ मेजर नहीं है, जो मेजर चीज़ें थी टाइमिंग मार्क वगैरह कैसे रखने हैं, क्या 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 करना है, बॉन्ड किधर किधर लगाना है, कैसे लगाना है, वो सारी बातें जो इम्पोर्टेंट बातें थी पूरी कवर की मैंने वीडियो में। तो अभी कुछ मतलब ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट ऐसा काम नहीं है, सिर्फ माउंट लगाना है, और ये टैपिट कवर है ये लगा के इसके 10 नंबर के बोल्ट होते हैं वो सारे लगाने हैं, इसके ऊपर प्लग कैप वगैरह जो भी लगती है वो लगा देना है। अभी देखो सारा फिटिंग हो गया है एकदम प्रॉपरली, बेल्ट वगैरह था वो भी नया डाल दिया, और सारी चीज़ें एकदम प्रॉपरली लग गई, ऑयल फिल्टर वगैरह सब बदल दिया हमने। एक्चुअली ये खोला था वो कारण अलग था, इसका एचएलई आवाज़ कर रहे थे, मतलब आइडलिंग पे टक 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी, तो इसके लिए खोला था। और टाइमिंग चेन भी बहुत पुरानी हो गई थी और टेंशनर भी ज़्यादा बाहर आ गया था इसलिए हमने वो बदला। तो इस वीडियो में मैंने टाइमिंग कवर का ही कवर किया है, टाइमिंग चेन वगैरह कैसे बदलते हैं और उसका मार्क टू मार्क कैसे मैच करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बता दी। तो एकदम प्रॉपरली हो गई है अभी गाड़ी, और अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखो एकदम प्रॉपरली स्टार्ट हो गई, और आवाज़ आप सुन सकते हो। एचएलए का भी जो प्रॉब्लम था, वो इशू था, वो भी सॉल्व हो गया, वो एक्चुअली टाइम मिला नहीं मुझे वो शूट करने का, नहीं तो उस सब्जेक्ट पे भी मैं वीडियो बना देता, फिर कभी उस सब्जेक्ट पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है,
ये चले टक 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 ऐसे आवाज़ करता था हैंडलिंग पे, जैसे हमारे पुरानी गाड़ियों के टैपेट लूज रहते हैं ना, तब आवाज़ आती है तो वैसे आती थी। ठीक है, तो अभी एकदम प्रॉपर हो गई, कुछ भी मतलब नॉइस वगैरह नहीं है इंजन में, एकदम प्रॉपर हो गया। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।